हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी। कुछ दिनों से कोडन बायोलॉजी पे वीडियो नहीं आ रही थी। इसका वजह है कि मैं अस्वस्थ था। एक बाइक एक्सीडेंट में मेरा हाथ इंजोर हो गया था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब ये रेगुलर हो जाएंगे। आज का वीडियो आधारित है साइंटिस्ट बी का जो रिक्रूटमेंट आया है अभी ICMR का, उसके आधार पर कुछ रिक्वेस्ट थे मेरे पास, जिसमें से ये कहा गया था कि आप ICMR के साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट पर एक वीडियो बनाएं कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। तो चलिए पूरी वीडियो को देखिए, आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली साइंटिस्ट बी का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये पूरी तरह से अनुमानित है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जितना प्रीवियस उसका एग्ज़ाम होता है मैंने उसका क्वेश्चंस को देखा और मैं ये बता पा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि एक्चुअल में किस तरह का क्वेश्चंस होगा। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है ICMR के प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के कि अलग तरह का रिक्रूटमेंट हो, किस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं या ICMR के JRF में किस तरह का क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो इस आधार पर हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि ICMR का जो JRF का एग्ज़ाम होता है वो भी जो है PGIMER चंडीगढ़ ही लेती है, और अभी साइंटिस्ट बी का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका एग्ज़ाम भी यही ले रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जहाँ तक इसका इम्पोर्टेंट डेट की बात है तो अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का बंद हो गया है पोर्टल, और अब इसका एग्ज़ाम डेट आने वाला है। 1 नवंबर को इसका एग्ज़ाम डेट है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 60+20 का स्कीम है। 60 का सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स इंटरव्यू है और इस 80 के अंदर भी 60+20 है। दो तरह का रिक्रूटमेंट है, एक तो मेडिकल का, दूसरा नॉन मेडिकल का। मेडिकल फील्ड में आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चन वे रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, 20 इज कॉमन फॉर बोथ। इन नॉन मेडिकल ऑल्सो आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू द रेलिवेंट सब्जेक्ट। व्हाट सब्जेक्ट? फॉर ग्रुप 1 बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोसाइंस, जूलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन। फॉर ग्रुप 2 सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, एंड फॉर ग्रुप 3 बायोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हम लोग सभी जानते हैं कि ICMR का जो JRF भी होता है उसमें दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए कॉमन होता है सभी के लिए, सेक्शन बी होता है लाइफ साइंस के लिए और सेक्शन सी होता है सोशल साइंस के लिए। और एक ख़ास बात कि जितना भी ICMR का एग्ज़ाम होता है यहाँ ऐसे ग्रुप 3 में रखा गया है कि बायोस्टैटिक्स और स्टैटिक्स का, लेकिन हर एक तरह के एग्ज़ाम में जो ICMR लेती है, अभी इसमें होगा जो 20 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 80 उसमें से स्टैटिक्स का क्वेश्चन ज़रूर रहता है। इसीलिए अगर ICMR में रिक्रूट होना है, चाहे वो JRF हो या चाहे वो किसी भी और पद के लिए जैसे साइंटिस्ट भी है अभी, तो आपका बायोस्टैटिक्स बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कि बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए जैसे हमने कहा कि आउट ऑफ 80 20 क्वेश्चन विल बी द कॉमन, ये कॉमन क्वेश्चन है दोनों में। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए, सबसे पहला इसका क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना मस्ट है, एकदम पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटिंग स्किल, जनरल साइंटिफिक नॉलेज। जनरल और साइंटिफिक नॉलेज में कैसा होता है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि डिजीज, किस तरह के डिजीज होते हैं, कितने तरह के डिजीज होते हैं, ये सारा जितना भी डिजीज रिलेटेड जनरल नॉलेज है या साइंटिफिक नॉलेज है तो उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद है करंट अफेयर, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इन बायोमेडिकल साइंस। करंट अफेयर किस तरह का करंट अफेयर, जैसे कि नोबेल प्राइज मिलता है मेडिकल साइंस में, तो किस किस तरह का नोबेल प्राइज है मेडिकल साइंस में, कितने लोगों को मिला है या कब मिला है, खासकर डिजीज के फील्ड में। तो इसका जो जनरल नॉलेज होता है, जैसे कि डिजीज या इसका कॉजिंग एजेंट क्या है। इसके बाद वर्ल्ड जनरल नॉलेज पढ़ना है थोड़ा आपको डिजीज के बारे में। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि
विच डिजीज हैज़ इरिडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में किस तरह के डिजीज को इरिडिकेट कर दिया गया था, या रिसेंटली जो केरला में हुआ था या हैवी फ्लूड इन केरला जो हुआ था, इस पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, या अभी अभी जो मेडिकल फील्ड में यानी कि बायोलॉजी के फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिला है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इस तरह की जनरल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज आपको रखना है। एक और बात देखिए, इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, वायरोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें कहीं इम्यूनोलॉजी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इम्यूनोलॉजी हमेशा आपसे जुड़ा हुआ रहता है बायोकेमिस्ट्री के पाथवे से, माइक्रोबायोलॉजी से, वायरोलॉजी से, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। जैसे कि ये आपका सेक्शन ए में भी काम करेगा और सेक्शन बी में भी काम करेगा। जैसे इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ना है, अब अगर सिंपल सा हम आपको एग्जांपल देके बताएं, पूरा एक टेबल आपको बता रहे हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, एकदम शॉर्टकट में जनरल नॉलेज की तरह इसको पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें दो तरह का डिजीज होता है, एक हो गया आपका इनहेरिटेड और दूसरा आपका हो गया एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेड में आप समझ सकते हैं इसको, आप इतना तो पढ़ते ही हैं कि ड्यू टू द एंटीबॉडी विच हैज ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पैरेंट, ये कैसा इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडी किसके द्वारा मिला होता है, पेरेंट्स के द्वारा मिला होता है। जैसे इनहेरिटेड इम्यूनिटी का हम लोग एग्जाम्पल लें कि ह्यूमन बींग आर इम्यून टू डॉग डिस्टेम्पर एंड हूफ एंड माउथ डिजीज दैट एफ्लिक्ट्स कैटल्स, ये इनहेरिटेड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। अब अभी एक्वायर में अगर बात करें हम लोग, एक्वायर में दो तरह का होता है, एक्वायर इम्यूनिटी में एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। इस इनहेरिटेड को हम लोग इननेट भी कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी मतलब बाय बर्थ, और ये एक्वायर में है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में भी आपको याद रखना है कि इसमें दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी में जैसे अंतर क्या है मैम, नेचुरल इम्यूनिटी में डेवलप्स आफ्टर हैविंग ए डिजीज, यानी कि जब डिजीज हो जाएगा इसके बाद ये डेवलप करता है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होता है, वैक्सीन के बाद ये डेवलप करता है, आफ्टर वैक्सीनेशन ये ऑटोमेटिक डेवलप किया, डिजीज हुआ इम्यूनिटी डेवलप कर गया, ये नेचुरल हो गया। और एक्टिव में आर्टिफिशियली करते हैं हम लोग, यानी कि उसको वैक्सीन देते हैं हम लोग, जैसे कि रेबीज का, टाइफाइड का, टिटनेस का, स्मॉल पॉक्स का, ये सारा जो वैक्सीन है ये सारा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आता है। अब पैसिव की अगर बात करें तो पैसिव क्या होता है, सीरम के तहत जो दिया जाता है, ये इम्यूनिटी किसके द्वारा दिया जाता है, सीरम के तहत। सिंपली इसको अगर कहना चाहें हम लोग, इट इज एक्वायर्ड बाय इनोकुलेटिंग विद सीरम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स फॉर्म्ड इन अदर पर्सन और एनिमल, हेंस इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट इमीडिएट प्रोडक्शन, तुरंत के प्रोडक्शन के लिए हम लोग पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है एकदम जनरल नॉलेज की तरफ, सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए आपको और भी पढ़ना ज़रूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें बता देते हैं हम लोग, एक्टिव और पैसिव में मान ली हम लोग जानते हैं कि एक्टिव जो है वो क्या है, वैक्सीन है, और पैसिव में सीरम है। इससे क्वेश्चंस बनता है कि किस तरह से एक्टिव और पैसिव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
एक और टर्म है, टर्मिनोलॉजी पूरा पढ़ लीजिएगा, एंटी सीरम। टर्मिनोलॉजी पढ़ने से क्या होता है कि आपको एक ब्रीफ नॉलेज आ जाता है उसके टर्म का, और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हो गया एंटी सीरम। एंटी सीरम का क्या मतलब होता है? सीरम कंटेनिंग एंटीबायोटिक। और एक आता है एंटी वेनम। इसको तो हम सब जानते ही हम लोग कि ये स्नैक बाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको एंटी वेनम कहते हैं। ये भी क्या है? सीरम है जो स्नैक बाइट के अगेंस्ट में काम करता है। अब इसके बाद आपको कुछ डिजीज जैसे कि डीपीटी का वैक्सीन किसके लिए होता है, बीसीजी का वैक्सीन किसके लिए होता है, टैब का वैक्सीन किसके लिए होता है, साल्क वैक्सीन किसके लिए होता है, ये पोलियो का वैक्सीन है, ये आपका टाइफाइड का वैक्सीन है, बीसीजी होता है टीबी के लिए, और डीपीटी में क्या होता है, एक डिप्थेरिया, दूसरा होता है पेस्ट्यूसिस वोपिंग का जिसको कहते हैं हम लोग, और तीसरा होता है टिटेनस। तो ये सारा लिस्ट बना के आप याद कर लीजिए, ये आपको मदद मिलेगा। वर्ल्ड जनरल नॉलेज हमने जो कहा था डिजीज के बारे में, तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज कैसा, जैसे कि बहुत सा डिजीज को पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट करने का एक मिशन चलाया गया था, तो आपको याद रखना है ये कौन सा डिजीज किस कंट्री से इरेडिकेट हुआ, कौन सा डिजीज अभी भी जो है इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो इस तरह का जनरल नॉलेज आपको याद रखना है। सिंपली क्वेश्चन बताते हैं आपको, ICMR में आया हुआ एक क्वेश्चन है, कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द मलेरिया। तो ये कैसा क्वेश्चन है, आपको वर्ल्ड लेवल का जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, या विच डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, या कंट्री रेगुलेशन ट्रांसफैट, ये सारा चीज़ कुछ रेगुलेशन रूल जो बनाए गए हैं ये सब आपको पढ़ लेना है, या हेल्थ केयर में कितना GDP खर्च होता है, यही इसका जनरल नॉलेज है पूरा। नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड डिजीज। तो इसमें आपका क्या क्या हो गया, जनरल साइंटिफिक नॉलेज, करंट अफेयर, कॉमन सेंस, एनालिटिकल स्किल, स्टैटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वो सभी चीज़ें आएंगे, जैसे केरला में जो बाढ़ आया था ये सारी चीज़ें, या एक है इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिमेंट, क्या आप जानते हैं इसको, ये सारा जनरल अवेयरनेस है, आप इसको ढूंढिए आपको मिलेगा। या फिर जो जनरल डिजीज है, कॉमन जेनेटिक डिजीज जो है, जैसे हीमोफीलिया, जैसे कॉजिंग एजेंट ऑफ दैट डिजीज, ये सारी चीज़ें, जैसे म्यूटाजेन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए इसमें। खासकर हम आपको बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि टर्म एंड टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, कैसा टर्म जो आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि खासकर डिजीज फील्ड से जो रिलेटेड है, जैसे एलोपैथी क्या होता है, एक टर्म है एलोपैथी, अब इसको आपको पढ़ना है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए भी रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब बात आया जो मेन चीज़ें, बायोस्टैटिक्स या स्टेटिस्टिक, इन दोनों में एक्चुअली क्या पढ़ना है, आपको हम कुछ लिस्ट बता देते हैं जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। इस फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काफ़ी मदद आने वाला है। सबसे पहला चीज़ जो आपको इसमें पढ़ना है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा चीज़ जो आपको इसमें पढ़ना है वो है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में कैसा, कुछ क्वेश्चंस आता है जैसे कि कैसे वेरिएबिलिटी को कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी। दूसरा है कि मेजरिंग कंपेरेटिव स्केटर्डनेस, मेजरिंग कंपेरेटिव स्केटर्ड एस। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है टेस्ट टाइप,
कितने तरह के टेस्ट होते हैं, उसका कैसे एनालिसिस करते हैं। टेस्ट टाइप पढ़ लीजिए, टेक्निक्स पढ़ लीजिए, टेक्निक्स पढ़ लीजिए और इसमें एक बात और पढ़िए कि एप्रोप्रिएट मेजरमेंट कैसे करते हैं। एनालिसिस, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एट्रीब्यूट्स मेजरमेंट। और एक ज़रूरी चीज़ आपको पढ़ना है इसमें और, प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज। ये चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में। और जिनका ग्रुप थर्ड है उसके लिए तो ये सारी चीज़ें उसको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अब टेस्ट टाइप में क्या पढ़ना है आपको, इसमें क्या रहता है, जैसे कि पी वैल्यू कैसे निकालते हैं या एनोवा टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम सैम्पलिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएट टेस्ट प्रोसीड्यूर, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट टाइप में, टेक्निक्स में सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। हमने बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं इसमें, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप पढ़ रहे होंगे तो आपको नॉलेज में होगा ये सारी चीज़ें। ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिए और कॉन्फिडेंस से जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, तो ये जो जनरल अवेयरनेस है या जनरल साइंटिफिक नॉलेज है, एक और चीज़ आप उसमें जोड़ लीजिए कि डिजीज़ एंड देयर कॉजिंग एजेंट। तीन चीज़ें हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो डिजीज़ का जनरल नॉलेज, दूसरा उसका कॉजिंग एजेंट क्या क्या है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट। ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, ये आपको काफ़ी मदद करेगा इस ICMR JRF में भी और साइंटिस्ट बी के क्वेश्चन में भी। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो विटामिन डिफिशियंसी या प्रोटीन डिफिशियंसी का डिजीज, या फिर डायबिटीज़ टाइप 2, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पूछा जा सकता है। कभी कभी आता है पेयर मैच करने के लिए कि कौन सा डिजीज, कौन सा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, बस हो गया। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है ये। और ऐसे जो सिलेबस दिया गया है इसमें सिर्फ टॉपिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि सिलेबस का सीमा तय नहीं किया जा सकता क्योंकि एक टर्म है, किसी भी सिलेबस जो उसमें दिया है उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो JRF में है या अदर ICMR का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके आधार पर हमने एक अनुमानित चीज़ें आपको बताई। आप इतना पढ़िए, इससे ज़्यादा भी पढ़िए, आपको जो समझ में आता है और चीज़ें भी पढ़िए, और बस जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और एग्ज़ाम देने जाइए। ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ ही सकते हैं ना, बस पढ़िए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें codonbiology पर मेल कर सकते हैं, codonbiology@gmail.com पे हम आपके लिए अवेलेबल हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर तो आप जानते ही हैं, ये लिखा रहता है हमेशा codonbiology के पेज पे भी है, 9471455844। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप हमसे जुड़े रहिए। और एक जानकारी आपको हम देना चाहते हैं,
कि आईसीएमआर जेआरएफ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एनसीआईबी भी बायोटेरा और कोडन बायोलॉजी ने मिलकर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आईसीएमआर जेआरएफ का कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 45 दिन का कोर्स है जिसमें से 15 अक्टूबर को ये शुरू होने वाला है और 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें से डेली 2 घंटा का लाइव क्लास होगा, एक सुबह क्लास होगी कॉन्सेप्ट का, कभी भी टाइम पर डिसाइड किया जा सकता है, और टेस्ट होगा उस दिन, और उस टेस्ट में जो डाउट होगा उसके लिए डाउट क्लास होगा, यानी कि मिनिमम 2 घंटे की क्लास होगी, एक कॉन्सेप्ट का क्लास, दूसरा डाउट का क्लास, और 5 मॉक टेस्ट होंगे उसमें सॉल्यूशन के साथ, और 13 जनरल बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो टेस्ट नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिस सेट है जनरल बायोलॉजी नॉर्मल अप टू 10-12 जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए एज ए जनरल नॉलेज एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, वो सारा 13 प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद 2 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल रहेंगी, और यहाँ डिटेल दिया हुआ ही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ncibb.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्रैश कोर्स अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है, दोनों का कॉम्बिनेशन पैक भी है जो ज़्यादा रिलेबल है, और आईसीएमआर के सेक्शन ए के लिए अलग से एक कोर्स लॉन्च किया गया है, क्योंकि सेक्शन ए दोनों के लिए कॉमन होता है, सोशल साइंस के लिए भी और बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी। जो बायोलॉजी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उसके लिए तो ये होगा ही, वो स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं जो बायोलॉजी के नहीं हैं, लाइफ साइंस के, जो सोशल साइंस से हैं वो सेक्शन ए में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कॉल करने का समय, वर्किंग आवर में ही करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।